कहते हैं कि धरती पर इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन अगर बात हो क्रिएटिविटी की तो प्रकृति से बेहतर कोई आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता। प्रकृति ने धरती को इतनी खूबसूरती से नवाजा है जिसका कोई जवाब नहीं। यूं तो धरती पर कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इतने खूबसूरत और निराले होते हैं कि आप उनसे नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत पक्षियों के बारे में। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं एनिमल्स वाइंस। गोल्डन फेजेंट। गोल्डन फेजेंट दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। ये पक्षी इतना खूबसूरत है कि जो भी इसे देखता है वो अपनी नजरें नहीं हटा पाता। सुनहरे और लाल रंग की वजह से इसे गोल्डन फेजेंट नाम दिया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति ने कितनी फुर्सत से बनाया होगा। इसका रूप रंग बेहद अनोखा है। इसके शरीर पर अलग अलग रंगों को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी पेंटिंग में कलाकारी की गई हो। वैसे तो ये पक्षी दुनिया भर में पाया जाता है, लेकिन इसकी ज्यादातर आबादी पहाड़ी और जंगली इलाकों में पाई जाती है। इसके सर पर क्राउन की तरह सजे गोल्डन बाल इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। इसका वजन 550 ग्राम तक होता है। स्कारलेट मकाओ। वैसे तो दुनिया में तोते की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन स्कारलेट मकाओ ऐसी प्रजाति है जो बहुत खूबसूरत और रंग बिरंगी है। ये तोते उष्णकटिबंधीय मध्य और दक्षिण अमेरिका के सदाबहार जंगलों का मूल निवासी है। इन्हें कई लोग अपने घरों में पालते भी हैं। एक एडल्ट स्कारलेट का वजन 1 किलो से लेकर 2 किलो तक होता है, जबकि लंबाई 80 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। स्कारलेट मकाओ की उड़ने की क्षमता भी कमाल की होती है। ये अपने पंखों को लगातार तेजी से फैलाकर 35 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसका रंग इतना निराला है कि जो भी इसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। इसका शरीर लाल, पीला, हरा और नीले रंग से सजा होता है। न सिर्फ रंग, इनके पंखों का डिजाइन भी अपने आप में अनोखा है। डिफरेंट कलर्स और डिजाइन इसकी खूबसूरती बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सभी तोतों की तरह इसकी चोंच भी काफी मजबूत और घुमावदार होती है। इसकी आंखों के आसपास सफेद रंग होता है, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। कील बिल्ड टुकेन। इस कलरफुल पक्षी को सल्फर ब्रेस्टेड टुकेन और रेनबो बिल्ड टुकेन के नाम से भी जानते हैं। कील बिल्ड टुकेन बेलीज का नेशनल बर्ड है। ये खूबसूरत पक्षी रैम फिस्टेडी फैमिली से आता है, जिसका वजन 400 ग्राम तक होता है। इसकी चोंच काफी लंबी और आकर्षक होती है, जिसमें ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, मैजेंटा कलर का कॉम्बिनेशन होता है। हालांकि चोंच के मुकाबले इसका शरीर काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से इसकी चोंच अलग ही नजर आती है। लंबी चोंच का इस्तेमाल ये कीड़े, अंडे और छिपकली को मारकर खाने के लिए करता है। इसकी आंख के आसपास और गर्दन का रंग पीला होता है, जबकि शरीर के ज्यादातर हिस्से पर काला रंग होता है। इसके पंजों का कुछ कुछ रंग नीला सा होता है। इस पक्षी की लंबाई करीब 20 सेंटीमीटर तक होती है। ये खूबसूरत पक्षी सदर्न मेक्सिको से वेनेजुएला और कोलंबिया तक पाया जाता है। वुड डक। वुड डक पर्चिंग डक की एक प्रजाति है जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। ये काफी कलरफुल होती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इसे कैरोलिना डक के नाम से भी जानते हैं। ये अनाटेडी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका वजन 450 ग्राम तक होता है। वुड डक नॉर्थ अमेरिका के जंगल के दलदली इलाकों में निवास करता है। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसमें पेंटिंग कर रंग भरे हों। ये बहुरंगी पक्षी अपनी खूबसूरती और खासियत से किसी का भी मन मोह सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये पानी के अलावा पेड़ में सुरंग बनाकर रह सकता है। इनकी प्रजाति और संख्या दुनिया में बहुत ही सीमित बची है। हायसिंथ मकाओ। तोते की ये खूबसूरत प्रजाति सेंट्रल एंड ईस्टर्न साउथ अमेरिका में पाई जाती है। नीले रंग की वजह से इस तोते को ब्लू मकाओ नाम से भी जानते हैं। तोते की बाकी प्रजातियों के मुकाबले ये तोता 100 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका जीवनकाल 50 साल होता है। इनकी खासियत है कि ये दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतनी ही मीठी बोली भी बोलते हैं। इनका वजन 1.2 से लेकर 1.7 केजी तक होता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें रिप्लाई करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।